नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक सीरीज की नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक के हम दो पार्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आप आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल पर जाके पहले रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप वो दो पार्ट देख सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू के नाम से। और ये आपका सीरीज टॉपिक का पार्ट थ्री है। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट टाइप में 6 क्वेश्चन है और सेकंड टाइप में 6 क्वेश्चन है। तो टोटल हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन लिए हैं। तो जल्दी से देखते हैं, एक बार हम साइड हुए जा रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से एक बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको वीडियो जो है प्ले करके देखना है, फिर आपको मैच कराना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इन 12 क्वेश्चन में से। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आते ही, कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर करिए। क्या लिखा हुआ है? 2, 6, 18 और 54, उसके बाद में यहाँ पर प्यारे साथियों खाली स्थान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखिए, लॉजिक को समझते हैं। उम्मीद है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया है तो देखो सामने, हम बिल्कुल इसको सॉल्व कराते हैं। देखो, 2 से 6 के लिए पहले हमारा 3 गुना हुआ है, 6 से 18 के लिए 3 गुना हुआ है, 18 से 54 के लिए 3 गुना हुआ है। यानी कि प्यारे साथियों हमें पता ये चला कि जो हमारी सीरीज है उसमें हुआ है गुना, और कितने गुना हुआ है? तो 3 3 गुना हुआ है। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, तो 54 का हमें 3 गुना कर देना है। तो जैसे ही हम 54 का 3 गुना करेंगे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा कितना? 162। चलिए, तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं कितना? 162। एक बार फिर से देखिए, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 5 15 और 1 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका कितना? 162। उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। 2 तिया 6 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54 और 54 का 3 गुना हो गया 162। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 5, 5, 15, 75, 525 और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या करना है प्यारे साथियों, 5 से 5 के लिए पहले हमारा 1 का गुणा हुआ है, 5 से 15 के लिए 3 का गुणा, यानी कि यहां से यहां के लिए पहले हमारा 1 का गुणा हुआ है, यहां से यहां के लिए 3 का गुणा हुआ है, यहां से यहां के लिए 5 का गुणा हुआ है, और यहां से यहां के लिए 7 का गुणा हुआ है। देखो क्या 7 का हुआ है? तो 7 5 35 का 5 हासिल लगा, 3 7 49 3 52। हाँ बिल्कुल, पहले 1 का गुना, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर 7 गुना, तो अब जो नंबर आया प्यारे साथियों कितने गुना? 9 गुना। तो बस 525 का हमें 9 गुना करा देना है प्यारे साथियों। तो बताइए 525 का जो 9 गुना होता है वो कितना होगा प्यारे साथियों? तो चलिए देखते हैं 525 का 9 गुना कितना होगा। तो 9 5 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 2 18 4 22 का 2 हासिल लगा 2, 9 5 45 और 2 47। तो आंसर हो गया आपका प्यारे साथियों कितना? 47 25। एक बार फिर से देख लीजिए, उम्मीद है लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी अगर किसी को लॉजिक में कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से हम लॉजिक को क्लियर किए लिए क्या करना है? पहले 1 गुना, फिर 3 गुना, फिर 7 गुना, 5 गुना, फिर 7 गुना, फिर 9 गुना। अगला अगर हमें एक और पद निकालना होता तो अब इसका हम कर देते 11 गुना। चलिए आगे चलते हैं, 7 से 22 के लिए क्या हुआ है प्यारे साथियों? 3 का तो गुणा हुआ है, प्लस का हुआ है 1। आगे देखो, 22 से 67 के लिए देखो, 22 तिया 66 प्लस का 1। 67 से 202 के लिए फिर से प्यारे साथियों गुणा तो हुआ है 3 का और प्लस का हुआ है 1। देखो एक बार लॉजिक को फिर से देखो, 7 से 22 के लिए 7 तिया 21 प्लस 1 22, 22 से 67 के लिए 3 गुना प्लस 1 तो 67 हो गया, 67 का 3 गुना करेंगे तो 201 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 202। तो अब जो हमें क्या करना है, लॉजिक प्यारे साथियों सेम है, तो पहले हमें 202 का 3 गुना कराना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 202 का हम 3 गुना कराएंगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 यानी कि 606 और प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 607। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका कितना? 607। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना देरी किए हुए।
क्वेश्चन नंबर चार में क्या करना है, तो देखो दो से सात के लिए हमारा हुआ क्या है, दो में हमने पहले गुणा किया तीन का, प्लस कर दिया एक। सात से तेईस के लिए क्या हुआ है, गुणा तो किया हमने तीन का और प्लस कर दिया कितना, दो। अच्छा, तेईस से बहत्तर के लिए गुणा तो हुआ है तीन का और प्लस का हुआ है कितना, तीन। तो इतने से लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों के लॉजिक में हो क्या रहा है। देखो गुणा होने वाली संख्या तो सेम है, लेकिन जो जोड़ने वाली संख्या है वो अल्टरनेट क्रम में बढ़ती जा रही है। दो तिया छह प्लस एक सात, सात तिया इक्कीस प्लस दो तेईस, तेईस तिया उनहत्तर प्लस तीन बहत्तर, यानी कि जोड़ने वाली संख्याएं एक एक करके बढ़ रही हैं और गुणा होने वाली संख्या अपनी जगह पे सेम है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों यहां से यहां तक जाने के लिए हुआ है क्या कि तीन का गुणा कराया गया और प्लस का कितना, चार। तो अगला जो नंबर आया वो प्यारे साथियों क्या होगा, गुणा तो हमें कराना है तीन, क्योंकि गुणा वाली संख्या सेम है, लेकिन जो जोड़ने वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, पांच। तो 220 का पहले हमें तीन गुना कराना है, तो जैसे ही हम 220 का तीन गुना कराएंगे तो 660, पांच हमें जोड़ना भी है तो कितना हो जाएगा, 665। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 665। चलिए उम्मीद है लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो क्या करना है, तीन गुना प्लस एक, तीन गुना प्लस दो, तीन गुना प्लस तीन, तीन गुना प्लस चार। तो नंबर आया तीन गुना करने का, तो तीन गुना कर दिया, प्लस पांच का तो प्लस पांच कर दिया। और अगर हमें अगला पद निकालना होता तो हम क्या करते, पहले उसका तीन गुना करते और कितना जोड़ देते उसमें, छह। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन से पांच के लिए क्या हुआ है प्यारे साथियों, तो देखो तीन से पांच के लिए हमारा हुआ ये है, पहले हमें क्या करना है, यहाँ की अगर हम बात करें, बारह तिया छत्तीस प्लस तीन, हाँ देखो पहले हमारा हुआ तीन दूनी छह, तो ये हो जाएगा माइनस एक, नहीं बन रहा है। एक बार फिर से थोड़ा सा देखो क्या करना है, तीन से पांच के लिए जो हमारा लॉजिक बनेगा वो होगा ये प्यारे साथियों, तीन से पांच के लिए देखो क्या करना है, गुणा करना है एक का और प्लस करना है दो, फिर पांच से बारह के लिए गुणा करना है दो का और प्लस करना है दो, फिर बारह से अड़तीस के लिए गुणा करना है तीन और प्लस करना है दो, अड़तीस से 154 के लिए हुआ है आपका गुणा तो करना है तीन का, गुणा तो करना है प्यारे साथियों कितने का, दो का, एक का गुणा दो का गुणा तीन का, गुणा करना है आपको चार का और प्लस का हो जाएगा हमारा कितना, दो। देख लो क्या ये चीज सही है, तो देखो आठ चौको बत्तीस प्लस दो, यानी कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लॉजिक को एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे साथियों, करना क्या है, तीन में पहले एक का गुणा करना है प्लस दो, पांच में दो का गुणा करना है प्लस दो, तो ये हो जाएगा, फिर तीन का गुणा करना है प्लस दो, तो बारह तिया छत्तीस प्लस दो अड़तीस, अड़तीस में चार का गुणा करना है प्लस दो, यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है, पिछले क्वेश्चन में गुणा वाली संख्या सेम थी, जोड़ने वाली संख्या बढ़ रही थी, इसमें क्या है कि गुणा होने वाली संख्या बढ़ रही है और जो जोड़ने वाली संख्या थी वो आपकी सेम है, बस अंतर से कितना है। तो पहले एक का गुणा, फिर दो का गुणा, फिर तीन का गुणा, फिर चार का गुणा, तो अगला जो नंबर आया उसमें गुणा होगा कितने का, पांच का। अच्छा, जोड़ने वाली संख्या को देखो, दो जोड़ा गया, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, तो यहां पर भी हमें कितना जोड़ देना है, दो। तो 154 में पहले तो पांच का गुणा कराओ, तो 154 में पांच का हम गुणा कराएंगे, तो पांच चौको बीस का जीरो हासिल लगा, दो पांच पांच पंचे पच्चीस और दो सत्ताईस का सात हासिल लगा, दो पांच एकन पांच और दो सात मतलब 770। लेकिन अभी हमें दो जोड़ना भी है, तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा 772। चलिए ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, 772। उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार लॉजिक को फिर से देख लीजिए जल्दी से, हमें करना क्या है, पहले एक का गुणा, फिर दो का गुणा, फिर तीन का गुणा, फिर चार का गुणा, तो अब नंबर आया प्यारे साथियों पांच गुणा होने का, तो हमने पांच गुणा कर दिया, पहले दो जोड़ा गया, फिर से दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, यानी कि जोड़ने वाली संख्या सेम है, तो हमें भी प्यारे साथियों दो ही जोड़ देना है, तो हमने पांच का गुणा करा दिया प्लस दो जोड़ दिया, तो हो गया 772। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छह, पांच से छह के लिए देखो क्या हुआ है प्यारे साथियों, पांच से छह के लिए गुणा एक प्लस एक, देखो पांच से छह के लिए हमने क्या किया, गुणा किया एक का और प्लस किया एक, छह से चौदह के लिए क्या हुआ है, गुणा किया दो का और प्लस किया हमने दो। अच्छा, चौदह से पैंतालीस के लिए क्या हुआ है, गुणा किया हमने तीन का और प्लस किया तीन,
यहां से यहां के लिए कंफर्म है, अब हुआ होगा प्लस गुणा हुआ होगा चार का और प्लस का हुआ होगा कितना चार, क्योंकि सीवी हमें समझ में आ गई है। इसलिए जिस संख्या का गुणा हो रहा है वही संख्या जोड़ी जा रही है, जिस संख्या का गुणा हो रहा है वही संख्या जोड़ी जा रही है। तो अगला जो नंबर आया वो किसका आया, तो आप कहेंगे कि सर गुणा करना है पांच का और जोड़ना भी कितना है पांच, क्योंकि लॉजिक हमें सेम रखना है। तो देखो जिस संख्या का गुणा उसी को जोड़ा गया, जिसका गुणा उसी को जोड़ा, जिसका गुणा उसी को जोड़ा, जिसका गुणा उसी को जोड़ा, तो सेम हमें भी कर देने, एक का गुणा दो का तीन का चार का, तो नंबर आया पांच का। अगर आगे एक और पद हमें निकालना होता तो फिर गुणा करने का नंबर आता छह का। चलिए ठीक है, 184 में पहले तो हम पांच का गुणा करेंगे, तो 184 में पांच का गुणा करिए, पांचों को 20 का जीरो, हंसे लगा दो, पांच अट्ठे 40, दो 42 का दो, हंसे लगा चार, पांच एकन पांच और चार नौ, यानी कि कितना हो गया 920। और पांच हमें इसमें अभी जोड़ना भी है प्यारे साथियों, जब पांच जोड़ना भी है तो 920 प्लस पांच कितना हो जाएगा 925। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 925। चलिए ठीक है, उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक देखो, पांच एकन पांच प्लस एक छह, छह दूनी बारह प्लस दो चौदह, चौदह दिया बयालीस, प्लस तीन पैंतालीस, पैंतालीस चौको 180 प्लस चार 184। तो अगला जो नंबर आया 184 पंचे हो जाएगा आपका 920 प्लस पांच तो हो जाएगा 925। चलिए ये छह क्वेश्चन हमने एक टाइप के लिए थे, गुणा पर आधारित थे, और ये जो अगले आपके छह क्वेश्चन है ये भाग पर आधारित हैं। तो चलिए आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी जल्दी से जान लेते हैं कि क्या करना है। तो देखो 12 से 36, 36 से 18, 18 से 54, तो क्या हुआ 12 से 36 के लिए पहले देखो तीन का गुणा हुआ, यानी कि कहने का मतलब 12 से 36 के लिए पहले तीन का गुणा किया गया, फिर 36 से 18 के लिए दो का भाग दिया गया, फिर 18 से 54 के लिए फिर से गुणा किया गया तीन। तो इतने से हमें लॉजिक पता चल गया कि एक बार किसी संख्या का भाग दिया जा रहा है और एक बार किसी संख्या को गुणा किया जा रहा है। तो देखो हमने क्या किया, पहले तीन का गुणा, दो का भाग, तीन का गुणा, तो अब जो नंबर आया प्यारे साथियों वो दो का भाग करने का नंबर आया। तो 54 में हम दो का जैसे ही भाग कर देंगे तो संख्या हो जाएगी आपकी कितनी 27। तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की 96 से 16 के लिए क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर 6 से भाग किया गया, फिर 16 से 32 के लिए क्या हुआ है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो गुणा 2 हुआ है, हाँ बिल्कुल गुणा हमने 2 कर दिया। फिर 32 से 8 के लिए क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर भाग किया गया कितने का 4 का, तो बिल्कुल हम 4 का भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने से ही लॉजिक हमारा क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो अगले वाले टर्म का भी पता कर लो। तो देखो क्या हुआ है, गुणा हुआ है कितने का 4 का। उम्मीद है अब आप लोगों का लॉजिक एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया है तो सुनो थोड़ा सा और। पहले 6 का भाग दिया गया एक को छोड़कर, फिर 4 का भाग दिया गया एक को छोड़कर, तो अब कितने का भाग दिया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 का, हाँ बिल्कुल 2 का ही दिया जाएगा। अच्छा गुणा वाले को देखो, पहले 2 का गुणा हुआ, फिर 4 का गुणा हुआ, एक को छोड़ने के बाद अगर हम बात करेंगे तो गुणा होगा कितने का, तो आप कहेंगे सर गुणा होगा 6 का, बिल्कुल होगा क्योंकि सीरीज हमें बनानी है। चलिए तो फिलहाल 6 का भाग 4 का भाग, तो अगला जो नंबर आया वो हमारा कितने का 2 का भाग का। तो 32 को हम 2 से जैसे ही भाग कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 16। अगर इसी 16 के आगे हमें एक और पद निकालना होता तो हम क्या करते, देखो 6 का भाग हो गया, 4 का भाग हो गया, 2 का भाग हो गया, नंबर आया सेकंड वाले टर्म का 2 का गुणा 4 का गुणा, तो अब जो हमारा गुणा होता जाके वो कितना प्यारे साथियों 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ है, तो देखो 51, 84, 576, 728 अगला पद हमें बताना है। अच्छा 728 नहीं प्यारे साथियों, 72 और 8 है, तो यहां पर कॉमा लगा हुआ है बीच में, तो अगला पद आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा, पहला पद है 51, 84, दूसरा है 576, तीसरा है 72 और उसके बाद में है 8। तो आपको बताना है कि अगला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, मिलवाते हैं आपको प्रश्न से। तो हमें करना क्या है प्यारे साथियों, चलो देखो 51, 84 से 576 पर जाना है, 576 से हमें 72 पर जाना है और 72 से हमें 8 पर जाना है, फिर हमें बताना है कि अगला जो पद है वो क्या होगा। अच्छा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है,
यहां संख्या बड़ी है, लास्ट में जाके एकदम छोटी होगी, तो छोटी संख्या से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये थोड़ी सी ट्रिक है कि छोटे से आपको स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, बड़ा वाला अपने आप से क्लियर हो जाएगा। देखो 8 से 72 के लिए गुणा हुआ है 9 का, 72 से यहाँ के लिए देखो 8 दूनी 16 गुणा हुआ है कितने का, 8 का। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि हम इधर से आ रहे हैं तो वही संख्या गुणा में होंगी, और अगर यहां से जा रहे हैं तो वही संख्याएं आपकी गुणा से पलट के भाग में हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा देखो यहां से यहां के लिए जो आपका हुआ है वो पहले हमने डिवाइड किया है कितने से, 9 से। फिर यहां से यहां के लिए डिवाइड हुआ है आपका कितने से, 8 से। फिर यहां से यहां के लिए डिवाइड हुआ है कितने से, 9 से। तो इतने से ही आपकी सीरीज जो है वो एकदम से क्लियर हो गई होगी कि पहले 9 का भाग दिया गया, फिर 8 का, फिर 9 का। तो अगला जो नंबर आया वो फिर से हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, तो आप कहेंगे 8 का। तो 8 में जैसे ही 8 का हम भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2600 लिखा है, उसके बाद सीधा आगे 650। तो देखो यहां से जाने में हमें दिक्कत होगी तो जस्ट यहां से उल्टा चल लीजिए, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आंसर जो है वो हमारा क्या होगा। तो चलिए देखिए 2600 से हमें आना है 650 पर। अच्छा ठीक है, तो 2600 में हम क्या करें, क्या 5 का भाग दें? अच्छा अगर हम 5 का भाग देंगे तो नहीं बन रहा है। अच्छा देखो एक बार 4 का अगर हम भाग दें तो 4 6 24, 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, नहीं बना 4 6 24। अच्छा हाँ 4 का भाग करेंगे तो 4 6 24 बच जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा 20, 4 5 20 और 0। देखो बिल्कुल आंसर हो गया सही है कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमारा भाग किया गया है कितने का, 4 का। अच्छा जब यहां पर 4 का भाग किया गया तो अगला पद यहां पर हमें निकालना है। तो अब देखो अगर हमें एक पद और दिया जाता तो हम एकदम से क्लियर कर लेते कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। देखो इसमें लॉजिक 2 से 3 बन सकते हैं, हो सकता है अगले वाले में भी 4 का भाग दिया जाए, सेम संख्या का भाग दिया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि इसमें 4 का भाग दिया गया, अगले वाले में 5 का भाग दिया जाए, बढ़ते क्रम में भाग दिया जा रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 4 से भाग किया गया, अगले वाले में 3 से भाग कर दिया जाए, घटते हुए क्रम में भाग दिया जा रहा हो। दोनों बातें हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हम सॉल्व किए ले रहे हैं वो सेम संख्या से डिपेंड कर जाएगा ऑप्शन पर कि हमें बढ़ते क्रम में भाग देना या घटते क्रम में भाग देना या फिर सेम संख्या से डिवाइड करना है। तो 650 को जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, बचा 2 हुआ 25, 4 6 24, ये हो जाएगा हमने जैसे ही भाग दिया। अच्छा हाँ गलत कर लिया, हाँ ठीक है 4 1 4 बचा हमारा 2, 25 हो गया, 4 6 24 बचा हमारा कितना, 1, और ये हो गया 10, यानी कि 4 2 8.5। तो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा प्यारे साथियों 162.5। एक बार फिर से देख लो क्या करना है, 650 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 4 बचा कितना, 2 हो गया 25, 4 6 24 बचा कितना, 1 हो गया 10, तो 4 2 8 बचा 2 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 6 20। तो आंसर हो जाएगा 162.5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो करना क्या है, ये लिखा है 10,000, ये लिखा है 2500, यानी कि डिवाइड किया गया प्यारे साथियों किससे, तो आप कहेंगे 4 से। देखो यहां से यहां तक आने के लिए डिवाइड किया गया 4 से। अच्छा यहां से यहां तक आने के लिए डिवाइड किया गया किससे, 5 से। यहां से यहां तक आने के लिए डिवाइड किया गया किससे, 4 से। तो अगला जो नंबर आया वो किसका, 5 से डिवाइड करने का, तो जल्दी से 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखो एक बार फिर से 10,000 को हम 4 से भाग करेंगे तो 2500, 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 500, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 125। पहले 4 का भाग दिया गया, फिर 5 का, फिर 4 का, तो अगला नंबर आया 5 से भाग करने का, तो 125 को जैसे ही हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या करना है, तो उल्टा देख लो, यहां से यहां तक के लिए 4 का गुणा हुआ है, 4 2 8, हाँ 4 4 का ही हुआ, यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए भाग किया गया है 4 से, यहां से यहां तक आने के लिए भाग किया गया है 4 से। तो जब सेमी संख्या का भाग हो रहा है तो हम फिर से 4 से भाग कर देंगे और 80 को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया आपको 20।
चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि श्रृंखला आपको कैसी लगी। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद।